अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां निराला नगर स्थित स्लम बस्ती में लक्ष्मी एजुकेशन एवं आविष्कार फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे अंकुर पाठशाला में टीचर्स डे मनाया गया है। इस दौरान छात्रों ने शिक्षकों एवं मेंटर्स के लिए डांस परफॉर्मेंस, स्पीच और ग्रीटिंग कार्ड बनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गीतांजलि मिश्रा, ममता नरेंद्र सिंह, रंजना श्रीवास्तव उपस्थित हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में चांदनी थारवानी, ज्योत्सना श्रीवास्तव एवं प्रमुख शिक्षक राजेश शर्मा एवं मुख्य वक्ता के रूप में सिद्धार्थ श्रीवास्तव उपस्थित रहे। शिक्षकों के लिए ही समर्पित स्वर्गीय रज्जी जॉन के पुत्र रोहन जॉन द्वारा ब्लूटूथ स्पीकर का डोनेशन दिया गया, जो कि चल रहे अंकुर पाठशाला के संचालन में सहयोगी एवं उपयोगी साबित होगा। गीतांजलि मिश्रा द्वारा बच्चों को कलर पेंसिल और ड्राइंग बुक दी गई। साथ ही बच्चों ने समोसे और मिठाई बांटकर टीचर्स डे सेलिब्रेट किया। संस्था अंकुर पाठशाला के प्रमुख रूप से प्रिया चतुर्वेदी, नीलांजना पांडे, सोनाली अंशुमन, विनीता कुशवाहा, योगिता सिंह, सिद्धार्थ श्रीवास्तव उपस्थित रहे। ये सिर्फ इसलिए आ रहे हैं ताकि वो आपको कुछ ज्ञान दे सके, अपना जो अनुभव है जीवन का वो अनुभव दे सके, वो शिक्षा दे सके, और आप बच्चे जो देश का भविष्य है वो इन तमाम लोगों को ज्ञान दे करके, और फिर कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई चिकित्सक बने, कोई नेता बने, कोई अभिनेता बने, कोई पत्रकार बने, लेकिन बच्चों तमाम चीजें बनना, लेकिन अपने अंदर का जो इंसान है ना उसको खत्म मत होने देना। आपके जो अंदर का जो मानवता और भाईचारे की जो सोच है उसको खत्म मत होने देना, और हिंदू हो अगर तो ऐसे काम करोगे, हिंदुत्व की अलग पहचान होनी चाहिए। हो मुसलमान गण तो अजान गूंजे आसमान, रब की मेहर वो अजान होनी चाहिए, और सिख हो अगर तो गुरु गोविंद को करो प्रणाम, नानक जैसी राष्ट्रभक्ति शान होनी चाहिए। पर भारत माँ की अस्मिता पर आज अगर आने पाए तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए।